के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तमयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और इनको दो सक कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा, ना हम उनके दिल से निकले ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बिहार से बड़ी खुशखबरी है। बता दें आपको कि जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा सियासी गलियारों में काफी तेज है कि पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव ने इसकी जानकारी लोगों तक साझा की है। पप्पू यादव बता दें आपको कि पूर्णिया से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं निर्दलीय। इस बार पप्पू यादव की दावेदारी पूर्णिया सीट से थी और वह अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। जी नमस्कार, प्रणाम भैया, शांति प्लीज। रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद और होली की भी मुबारकबाद। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा 1 लोकसभा और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे, एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार MLA रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा हर परिस्थिति में, दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब, वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुमार सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुमार सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते, उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई MLA, ex-MLA, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग,
नहीं आ पाए, चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ, इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 से 4,500 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत, और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट, और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूँ, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईबीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी है, किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं, और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए, साथ साथ 130 करोड़ जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावे दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हम पूरी पार्टी के साथ, हम अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है, और लगातार हमारे बेटे जो डीओ से क्रॉस किया, सार्थक रंजन, पत्नी का भी तो नाम लीजिए, अब वो कांग्रेस के लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। अब कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा, और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है, और इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना, ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी कहावत है, ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है, तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना, तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और इनको दो सा कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है, ना हम उनके दिल से निकले, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से, तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी, और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी,
इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तमयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट मैं अपने खास तौर पर विशेष रूप से जिन्होंने हमको फोन किया है, पवन खेड़ा साहब, जिनकी भाषा ही, जिनकी त्वरित जवाब ही काफ़ी है, इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के सीएलपी लीडर का सम्मान करते हुए, मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का, सबका सम्मान करते हुए, मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ मर्जर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव ने इस दौरान अपनी पूरी पार्टी के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की है, वह अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान बिहार में कांग्रेस नेता शकील अहमद मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी पूरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस से मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने खड़गे पर अपनी प्रति आस्था जताई। पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर तारीफ की। पप्पू यादव ने कहा कि इस उम्र में भी यह इतना एक्टिव रहते हैं, वैसे सिर्फ जेपी में ही नजर आता था। खड़गे जिस तरीके से अभी भी एक्टिव रहते हैं, यह वाकई तारीफ की बात है। तो बता दें आपको कि जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव जो हैं वो एक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी पूरी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में हो गई है। कांग्रेस ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अब बता दें आपको कि पहले से पप्पू यादव की पत्नी जो हैं वो कांग्रेस की नेता रही हैं और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी उन्होंने हासिल की है। इस बार उनकी दावेदारी पूर्णिया से थी और अब कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।